नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में लाहौर ने नौलखा बाजार में मौजूद गुरुद्वारा शहीदी स्थान भाई तारू जी के बारे में बना एक वीडियो भारत में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति सोहेल भट्ट को सिख धर्म के लोगों पर और पाकिस्तान में उनके कुछ नेताओं के खिलाफ अपशब्द कहते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति कुछ सवाल करता है, जिसके जवाब में सोहेल भट्ट कहते हैं कि सिख धर्म के लोग मस्जिद के बगल वाली जमीन पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं और उनके पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ये जमीन उन लोगों की है या नहीं। सोहेल भट्ट लाहौर के नौलखा बाजार में शहीदी स्थान भाई तारू जी के करीब बने ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीदगंज के बगल वाली जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। यह जगह सिख धर्म के मानने वालों के लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि इसी जगह पर 1745 में भाई तारू जी की हत्या की गई थी। उस वीडियो में सोहेल भट्ट दावा करते हैं कि ये जमीन पास की एक मस्जिद की है जो मदरसा बनाने के लिए दी गई है। पाकिस्तान के एक जाने माने इतिहासकार ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि 18वीं सदी के शुरू में इस जगह पर एक मस्जिद हुआ करती थी, जिस मुगलों के दौर में बनाई गई थी, लेकिन जब सिखों ने इस जगह पर कब्जा किया तो उसी परिसर में एक सिख योद्धा भाई तारू सिंह की याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया। भाई तारू सिंह मुगल गवर्नर के हाथों मारे गए थे। जब पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो ये बात अदालत पहुंची, लेकिन वास्तव में वह गुरुद्वारा ही रहा। 1940 में भारत में सबसे बड़ी ब्रितानी अदालत प्रिवी काउंसिल ने सिख समुदाय के हक में फैसला दिया और उस जमीन और गुरुद्वारे को मालिकाना हक सिखों के पास रहा। अदालत ने कहा कि सालों तक यह इमारत गुरुद्वारे के हैसियत से रही और मुसलमानों ने समय रहते इस पर अपनी दावेदारी नहीं पेश की थी। भारत के विभाजन के बाद यह मामला विवादित रहा। 1988 में लाहौर हाईकोर्ट ने कोई सबूत नहीं होने के कारण फैसला सुनाया कि यह जमीन गुरुद्वारे की है। आज भी इस जगह के रख रखाव की जिम्मेदारी इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की है, जो वीडियो में बोल रहे सोहेल भट्ट के दावों को पूरी तरह खारिज करता है। सिख समुदाय की प्रतिक्रिया ये रही। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सतवंत सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो संदेश में कहा कि इस घटना के कारण दुनिया भर के सिख दुखी है और उन्हें तकलीफ पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा है कि सोहेल भट्ट का वीडियो पाकिस्तान सरकार की नीति के खिलाफ है और प्रधानमंत्री इमरान खान का नजरिया शांति और भाईचारे का है। उनके अनुसार ये घटना एक व्यक्ति विशेष का है और जमीन हथियाने का मामला है। सतवंत सिंह ने ये भी कहा, उस मकबरे से सटा हुआ जमीन का एक टुकड़ा है जो सिखों का है, लेकिन कुछ लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये भी लगता है कि अगर हम इसकी प्रतिक्रिया में कुछ करेंगे तो इससे सिख और मुसलमानों के बीच कायम भाईचारे का नुकसान पहुंचेगा। सतवंत सिंह ने इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन से बात की और वो दूसरे संस्थानों की अधिकारियों के संपर्क में भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में प्रधानमंत्री इमरान खान के नजरिए और सिखों और मुसलमानों के बीच दोस्ताना संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, सिख बिरादरी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सतवंत सिंह ने यह भी कहा है कि सिख समाज को पाकिस्तानी सरकार और उसकी संस्थानों के जरिए किए जा रहे प्रयासों के ध्यान में रखना चाहिए। विवादित वीडियो एक व्यक्ति के जरिए बनाई गई है, हम उस व्यक्ति से निपट भी सकते हैं, लेकिन ये हमारे मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा, हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस मामले को अपने हिसाब से हल करे। सिख समाज अपने हाथों में कानून नहीं लेना चाहते हैं। गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। इवेक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बीबीसी से बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि की है कि वो जमीन गुरुद्वारे की है और बोर्ड के अंतर्गत उसकी देख रेख है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारे में बोर्ड ने पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय जाँच एजेंसी FIA को खत लिखकर बताया है कि
लाहौर के एक निवासी सोहेल भट्ट विवादित वीडियो बनाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। बोर्ड की सचिव सनाउल्ला खान ने भी अपने खत में इसे सिख समुदाय और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। खत में कहा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर की कामयाबी के बाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की सराहना के बाद पाकिस्तान विरोधी कई तत्व पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कई तरह की साजिश रच रहे हैं। सनाउल्ला खान ने अपने खत में लिखा है कि सोहेल भट्ट और उसके साथी लोगों को ऐतिहासिक गुरुद्वारे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय मीडिया इस बेबुनियाद आरोप का दुनिया में पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सोहेल भट्ट और उनके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक सोहेल भट्ट के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज किया गया।